जय श्री राम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने आपको अपने लास्ट न्यू ईयर वाले छोटे से वीडियो क्लिप में बताया था कि मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा भगवद गीता और चैंटिंग के बारे में बताऊंगी, तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट भगवद गीता एंड चैंटिंग। देखो क्या होता है, आजकल हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हैं। लाइक कोई सबसे पहले बच्चा पैदा होता है तो उसकी माता को प्रॉब्लम होती है, ठीक है। उसके बाद उसकी एजुकेशन की, बच्चा बड़ा होता है उसको मार्क्स की, कॉलेज की, देन मैरिज की, फिर उसके बाद बेबीज़ की, फिर जॉब की, फिर मतलब हर किसी की, एवरी वन इज फेसिंग मतलब एनी एंड समथिंग, एवरी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन देयर लाइफ्स। तो इस केस में हर बंदा किसी न किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, कोई किस तरह की, कोई किस तरह की। नोबडी इज़ परफेक्टली हैप्पी इन दिस लाइफ बिकॉज दिस इज कलयुग, ठीक है। हम भगवान तो है नहीं, ओनली वन इज गॉड, दैट इज कॉल्ड कृष्णा। और जिसको भी आप मानते हो वो आपके लिए है, मेरे माय गॉड कृष्णा सीताराम जी। तो क्या होता है इस चीज़ का, जैसे आप टाइटल में नीचे देख रहे हो, इधर लिखा हुआ है द सोल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स इज भगवद गीता। दे आर मैनी स्क्रिप्चर्स, हमारे हिंदू धर्म में बहुत हैं स्क्रिप्चर्स, बहुत हैं ग्रंथ है, शिव पुराण, विष्णु पुराण, भगवद गीता, रामायण, भागवतम, ठीक है। ये सब किसी ने लिखी हुई है, जैसे रामायण है तुलसीदास जी ने लिखी हुई है, ठीक है। कोई तुलसीदास जी की है, रामानंद सागर जी ने इतनी अच्छी प्रेजेंट की, हमें दिखाया उन्होंने, इतना अच्छा हमें सिखाया। तो जो भगवद गीता है वो साक्षात श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन जी को ज्ञान दिया था, जैसे कि भाई गीता जयंती गई है, ठीक है ना। वो हम तभी मनाते हैं कि दैट इज़ अ बर्थडे ऑफ गीता। उस दिन गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इस गीता में, इस गीता को पढ़ने से यू मतलब प्लीज़ ट्रस्ट मी, और जब आप इस वीडियो को देखने के बाद गीता पढ़ोगे, जो भी आपके मन में जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो आपकी करंट प्रॉब्लम है, लाइक किसी की एजुकेशन की प्रॉब्लम है, किसी की कुछ प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए आप भगवद गीता को खोलो, पढ़ो। मेरे साथ तो यही होता है, आपके साथ भी यही होगा। मैं जैसे प्रे करती हूँ कि ये वीडियो सच हो जाए, और होगी भी, बिकॉज आई बिलीव इन गॉड अलॉट। तो क्या होता है, मेरे साथ क्या होता था, जो भी मेरी करंट सिचुएशन होती है उसको मैं ध्यान में रखती हूँ, भगवद गीता खोलती हूँ, तो जो सिचुएशन है उससे रिलेटेड मुझे सॉल्यूशन मिल जाता है। दैट इज़ ट्रू, 100% ट्रू, ये होता है। तो इस केस में क्या होता है, हम भगवद गीता में वो देखते हैं जिस मतलब भगवद गीता टीचेस अस हाउ टू लिव परफेक्टली इन दिस कलयुग, एंड व्हाट इज़ द वे टू गो बैक टू गॉड हैड। हमें जाने हैं, देखो वी नेवर नो, वी कैन ओनली डू आवर कर्मास, ठीक है। वी एक्चुअली नो एंड वी नो वेरी वेल दैट इज़ बैड, दैट इज़ गुड। जैसे सपोज आपको पानी पीना है, आपके पास दो ग्लास हैं, एक ग्लास में नॉर्मल वाटर है और एक ग्लास में सॉल्टेड वाटर है, बट आपको पीना कौन सा है, नॉर्मल वाटर, ठीक है, नॉर्मल वाटर पीना है। तो अगर आप नॉर्मल पियेंगे तो आपको पता है आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, आपकी प्यास बुझ जाएगी। सॉल्टेड वाटर में क्या आएगा, थोड़े टाइम के लिए आपको टेस्ट आएगा, बट आपकी प्यास सही तरीके से नहीं बुझेगी। तो सिमिलरली आपको क्या है, कलयुग में आप एंजॉय कर रहे हो, यू नो वेरी वेल दिस थिंग इज रॉन्ग फॉर मी, बट स्टिल यू आर डूइंग। तो फॉर दैट यू ओनली सोलीली बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, नो एनी वन एल्स, ठीक है। इसी तरह हम इस कलयुग में जो हम करते हैं, हम उसका भुगतान खुद ही करते हैं। जैसे मेरे पास दुख है तो इसके रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, क्योंकि मेरे पास कर्मज है। हाँ एक बात और, हम क्या करते हैं आजकल, हम बोलते हैं ये क्या यार, मेरे को लोग बहुत बोलते हैं प्रीति अभी से भक्ति कर रही, बुढ़ापे में कर रही, मैं छोटी थी, अभी तो बड़ी हो गई, शादी भी होगी, बच्चा भी होगा, बहुत चीज़ें। तो ठीक है, आप मुझे बोल रहे हो, मैं किसी बोल, कोई भी किसी को बोल रहा हूँ कि तू भी छोटा है, आपको पता है कि आपकी एज कितनी है, कब तक आप जिंदा रहोगे। अभी जैसे अभी हमने देखा है छोटे छोटे बहुत लोग जा रहे हैं, तो डू यू नो व्हाट इज योर एज, ठीक है, कितनी एज में आपकी डेथ होगी आपको नहीं पता ना। यस, ये बहुत बिटर ट्रूथ है, बट दिस इज
ट्रू, इसके सिवा कोई ट्रू है ही नहीं। तो इसलिए प्लीज़ ये मत कहिए हम बुढ़ापे में भक्ति कर लेंगे, क्या पता बुढ़ापा ही ना देख पाओ, का कुछ भी हो सकता है, आपको थोड़ी पता है किस टाइम आपका बुलावा आ जाए, है ना। वो भजन बहुत चल रहा है, स्वर्ग से आए और ये संदेश, बुलाओ आ गयो राम को, कुछ नहीं पता कहाँ कब क्या प्राण निकल जाए, तो इसलिए भक्ति करो। हाँ मैं ये भी नहीं बोल रही, कोई ये भी नहीं बोल रहा आप साधु बन जाओ, बिकॉज दिस इज कलयुग, आप प्योरली साधु भी नहीं बन सकते, गृहस्थ आश्रम है, आपको गृहस्थी भी निभानी पड़ेगी। अगर आप एक लेडी हो ठीक है, आपको अपने बेबी का ध्यान भी रखना पड़ेगा, घर का, मदर, बींग अ मदर, बींग अ वाइफ, बींग अ एवरी, मतलब जो आपके आपका रोल है आपको यू हैव टू प्ले वेरी वेल ठीक है। उसके साथ साथ यू हैव टू लिव स्पिरिचुअली, यू हैव टू एक्ट स्पिरिचुअली, आपको क्या है वो बहुत अच्छा है। हाथ हाथों से करो घर का आराम, मुख से बोलो जय सिया राम, अरे कुछ भी करो, रोटी बनाओ खाओ पियो सब करो, इवन पता है आपको वॉशरूम में भी दिस इज अलाउड, यू कैन चैंट हरे कृष्ण महामंत्र, यू कैन कॉल राम जी, पता है आप जय सिया राम भी बोल सकते हो। राम जी ने आपको पूरी तरह से लिबरलाइज्ड कर दिया, आपको पूरी तरह से फ्रीडम दे दी है कि आप कहीं भी मेरा नाम जप सकते हो, केवल राम नाम सत्य है, सिर्फ राम नाम ही सच है, कुछ नहीं है ठीक है। हम बहुत ही पढ़ लिख लिए हम, पढ़ लिए, CA बन गए, डॉक्टर बन गए, प्रोफेसर बन गए, सब बन गए, बट द ट्रूथ इज दैट है तो हम इंसान ही ना, भगवान तो नहीं है, हम परफेक्ट नहीं है। अगर परफेक्ट है तो इंजीनियर CA क्यों नहीं बना, इंजीनियर CA भी बनना चाहिए और CA डॉक्टर भी बनना चाहिए, सब होना चाहिए ना। सिर्फ स्पेशलाइजेशन, आपको PhD डॉक्टर मिल गए बट यू आर नॉट स्पेशलाइज्ड इन दैट फील्ड, कुछ ना कुछ तो मिसिंग होता ही है ना। तो भगवद गीता एक वही चीज़ है जो हमें सिखाती है, आप पढ़िए, आपको कोई ज्ञानी नहीं बनना, आपको ऐसे बनना, आपको गृहस्थ आश्रम के साथ साथ स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना है। भगवद गीता पढ़ो, चैंटिंग पढ़ो, हरे कृष्ण महामंत्र, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो क्लिप दैट आईव शेयर्ड विद यू ऑन 31 दिसंबर ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसमें क्या है, ये महामंत्र है, इसमें राम नाम, कृष्ण नाम, हरे राधा, हरे कृष्ण राधा कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, इसको आप जपो, सच में बहुत पीस आपको मिलेगा। पता नहीं नेक्स्ट बर्थ क्या हुआ, तो इस बर्थ को तो थोड़ा सा तो सुधारो, है ना। अब डिपेंड तो ऊपर करता है, हम सिर्फ अपने कर्म ही कर सकते हैं, जब पेपर होता है हम सिर्फ रिवाइज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, पास फेल होना तो एग्जामिनर के हाथ में, पास फेल होना कृष्ण के हाथ में, वी कैन ओनली मेक आवर एफर्ट्स एंड रेस्ट ऑफ ऑल इज इन इन द हैंड्स ऑफ गॉड, दैट्स ऑल ठीक है ना। तो क्या है, अपने आप को स्पिरिचुअल बनाओ, काम भी करो, जो भी आप काम करो, स्टूडेंट हो, एजुकेशन करो, मदर हो, बेबी का ख्याल रखो ठीक है, लेडी हो, सब कुछ करना पड़ेगा। बस आपको ये है, भगवद गीता को ध्यान में रखिए, जो भी जो कर रहा है उसे परफेक्टली करिए, चाहे आप एजुकेशन कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, घर का ध्यान रख रहे हो, जो भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, और भगवद गीता ज़रूर 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 पढ़नी चाहिए हर इंसान को डेली। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय सिया राम।